आई होप कि यही हो। ओह माय गॉड, फाइनली हिट हुआ था। तो शायद इसी में से पानी आता होगा, उतना ऊपर तो हम चढ़ भी नहीं सकते। बट हाँ, ये भी अफसोस रहेगा कि झरने में पानी नहीं था। 3-4 घंटा हो गया, एक भी लोग लिप नहीं दे रहे। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो लोग क्या कहेंगे? सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो गाइस आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो गाइस, कल 4-5 बजे के करीब मैं आ चुका था चितवन भरतपुर में, जो कि रात भर मैंने अपने भैया के साथ बिताया हूँ। और रात होने के बाद अभी सुबह हो गई है, तो अभी मैं हूँ नारायणगढ़ बस पार्क में। आप लोग ये व्यू चेक कर सकते हो। तो अभी यहीं पे रुका हुआ हूँ, और फिलहाल भैया भी आए थे यहाँ पे मुझे छोड़ने के लिए बस स्टैंड में। और वो वाले बस जो आप लोग देख रहे हो, इसी बस से हम लोग जाने वाले हैं आज अनिल सुनार भाई जी से मिलने के लिए, जो कि अबू खजेरी में रहता है। यहाँ से 40-45 किलोमीटर की दूरी पर है, तो मैंने सोचा क्यों ना मिला जाए, क्योंकि अब इतना दूर कब आऊँगा कब नहीं आऊँगा कोई पता नहीं है। तो अभी आया ही हूँ, तो मिल कर के जाऊँगा। वैसे तो मुझे एग्जैक्ट ठाँव पता नहीं है, अबू खजेरी नाम का एक ठाँव है, वहीं पे रहता है। अब उसका घर कहाँ पे है वहाँ से मुझे कुछ भी पता नहीं है। सो आज के लिए हमारा चैलेंज यही रहेगा कि उसका घर कैसे हम सर्च कर सकते हैं, कहाँ से कैसे उसका पता निकाल सकते हैं ताकि मिल सके। और वहाँ पे एक अनिल सुनार भाई जी है और एक है विश्वकर्मा जी है, तो दो ब्लॉगर से मिलेंगे जो कि नेपाल में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं। अगर आप लोग नेपाली ब्लॉगर को जानते होंगे तो अवश्य से अनिल सुनार को भी जानते होंगे। अगर नहीं जानते हो तो कोई दिक्कत नहीं, जब हम मिलेंगे बातचीत करेंगे तो आगे आप लोगों को पता चले जाएंगे। मैं बैठ चुका हूँ बस में, एंड आप लोग ये बस का व्यू चेक कर सकते हो। बस एकदम मतलब लोकल ही है, लेकिन लोकल में भी स्पेशल लोकल है। जैसे हमारे तराई की तरफ होता है लोकल में, मतलब कचरा डब्बा होता है हमारे तराई में, बट यहाँ पे ठीक है, मतलब नाइट बस के जैसा है, बट लोकल ही बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ से हमें जाना है 40-41 किलोमीटर है अबू खजेरी के लिए, जहाँ पे नेपाल का पॉपुलर यूट्यूबर है, तो उसी से हम मिलने के लिए जा रहे हैं। बाय द वे उसे मैसेज भी मैंने कर दिया था कि हाँ भैया मैं आ रहा हूँ कह के, बट अभी तक मैसेज सीन भी नहीं किया था, तो मैंने सोचा क्यों ना वहाँ से जाया जाए और फिर आप लोगों को वहाँ से बताया जाए। तो अभी मैं बस में, कुछ देर में बस भी खुलने वाला है, उसके बाद बातचीत करेंगे आगे जा करके। अचानक से पता नहीं यही है कि कौन है, बट इसी का एड्रेस मैं तलाश कर रहा था। आई होप कि यही हो, देखते हैं, क्योंकि गाड़ी तो वही है अनिल सुनार भाई जी वाला। ओ भाई साहब, तो भाई अनिल सुनार है ना? ओ माय गॉड, फाइनली हिट भयो दाइज। त म तपाईँकै घरको लागि जाँदै थियो, मलाई थाहा पो रहेछ होइन। ओ भाइ साहब, अनएक्सपेक्टेड गाइज, अनएक्सपेक्टेड। कहाँनिर? ओ भाइ साहब, दाइ मेरो खुट्टा त हिलिरहेछ साथीको। म जनकपुरबाट, तपाईँलाई एसएमएस गरेको थियो म, वाट्सएप के भन्छ फेसबुकमा,
तपाईले सिन पनि गरे छैन अनि रिप्लाई पनि दिएन अनि तपाईको एड्रेस पनि मलाई थाहा परेको छैन के तपाईँले बसेपछि त म सोध्यो त्यसपछि तपाईँको घरमा पुग्थ्यो भाइ ज्याक्ट तपाईँको घर पनि थाहा छैन मलाई त्यसो भएर म हिन्दी ब्लग हिन्दीमा ब्लगिङ गर्छु कि त्यसो मेरो नाम नरेन्द्र कुमार मेरो युट्युब च्यानलको नाम DayanK03 ब्लगर DayanK03 ब्लगर एकदम माया छ हाम्रो ब्लगरलाई सबैले माया साथ सपोर्ट गरिदिनु होला अनएक्सपेक्टेड गाइस अल द बेस्ट अल द बेस्ट म जनकपुर पचान अनि तपाईँसित एउटा अरू तपाईँको साथी विश्वकर्मा विनोद विश्वकर्मा कहाँ छ त्यो उनीसित पनि मिल्नु छ क्या जाउँ जाउँ हुन्छ मिल्छ कतिजना लाग्ला म बरु वेटिङ गर्छु म यस्तै काम हो क्या म वेटिङ गर्छु बरु तपाईँ जति बेर मिलाइदिनु मलाई म वेटिङ गर्छु अरे तपाईँ म यस्तो डुलिरहेको छु आज ऊ पनि लास्ट नै बिजी छ ऊ यता ओडातिर थाहिरहेको छ ऊ पनि म पनि हिँडिरहनु परेको छ क्या आज यार तपाईँको नम्बर मिल्न सक्छ नम्बर ऊ त्यो गर न मलाई इन्स्टामा मेसेज गर न है हुन्छ हुन्छ अहिले नै गर्छु गीत छ राम्रोसित ट्राभल गर अचानक से मिल गया मलाई पनि खुसी लाग्यो म सोध्नु चाहिँ कहाँ बस्छु म अहिले कुनै एक्ज्याक्ट थाहा छैन होइन भन्नाले तिम्रो घर चाहिँ कता मेरो घर जनकपुरबाट अलि त्यतातिर पर इन्डिया बोर्डर जनकपुरलाई पनि एकदमै धेरै माया छ अनि जनकपुरमा मिटअप गर्दा हुँदैन त्यो अलि पछि अब जनकपुर आयो कहिले जनकपुर गएछ कि छैन छैन जनकपुर जनकपुर आउनु एकचोटि हामीलाई पनि मौका दिनु न ट्रिट गर्नको लागि कस्तो ट्रिट गर्छ ल गाइस आजका मेहनत हाम्रो सफल भयो भाइजी चाहिँ मिल गए अचानक अनएक्सपेक्टेड हजुर ल बहुत सपोर्ट गर्न इसी तरह भाइको पनि मोटिभेट गर्न थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू ल दाइ ओ भाइ साह कतातिर जानुपर्छ गोर्खालीन्द धेरै टाढा छ थ्याङ्क यू दाइ थ्याङ्क यू ल गाइस आजका मेहनत हाम्रो सक्सेसफुल भाइजी यहीँ पे मिल गए हमारा अब देखते हैं आगे तक आज का डेस्टिनेशन तो हमारा यहीं तक था बट आगे बढ़ते हैं और फिर घूमते आज यहीं पे घूमेंगे देखते हैं कहाँ तक जा पाते हैं उसके बाद आगे जो कुछ भी होगा आप लोगों को देखने को मिल जाएगा बट गाइस भैया से मिलने का बहुत ही इच्छा था इतना दूर मैंने 200-250 किलोमीटर तक आया हूँ यहाँ तक भैया को मैंने इंस्टाग्राम पर मैसेज किया हूँ नंबर तो वैसे तो नहीं दिया बट इंस्टाग्राम पे मैंने मैसेज कर दिया हूँ अगर होगा तो शायद फॉलो बैक भी कर दें अगर फॉलो बैक कर दिया तो भाई अनएक्सपेक्टेड सा गाइस बहुत खुश हुआ फाइनली इतना दूर तक आने का जो मेहनत था उसका फल आई गॉट इट नाउ यहाँ पे दो चार लोकेशन सेलेक्ट करते हैं और फिर घूमते हैं दो चार लोकेशन और फिर यहाँ से निकलेंगे देखते हैं कहाँ तक जा पाते हैं भाई लिफ्ट सो चलते हैं लेट्स गो भाई भी भैया भी इधर ही है बढ़ता हूँ मैं भाई साहब न्यू पल्सर यही था अगर आप लोग इंडिया से हो तो शायद बहुत ही कम लोग जानते होंगे बट नेपाल को होगा तो अवश्य से जानते हो क्योंकि 5.5 लाख फॉलोअर जो है भैया लेकर के बैठा हुआ है गाइस आगे भी रुक गया क्या ही बताओ देखते हैं अभी पहले कहीं पर बैठ करके आराम कर लेते उसके बाद बढ़ते आगे भैया से तुम मिल लिए अब यहाँ पे एक वाटरफॉल भी है ऐना करके वो तो वाटरफॉल में तो अभी पानी तो नहीं होगा क्योंकि अभी बरसात का मौसम तो नहीं है बट जैसा भी होगा चलो चल कर देखते हैं पानी इसमें आषाढ़ महीना में आता है क्योंकि आषाढ़ में जो है बारिश बहुत तेज़ी से होता है इसीलिए तो अभी जा रहे हैं देखते हैं कितना दूर तक है एक पुलिस वाले सर से मैंने ट्रैफिक सर से पूछा तो बताया कि थोड़ा सा ही आगे है जा कर के मिल जाएगा तो अभी इधर ही जा रहे हैं देखेंगे कितना आगे जा कर के मिलेगा सो बने रहना ले यहाँ पे अबू खनेरी में देखने वाला एक झरना है ऐना झरना करके तो मैं अभी ऐना झरना के पास जा रहा हूँ उसको देखने के लिए क्या कुछ कैसा है वो झरना अभी तो पानी नहीं है बट फिर भी देख लेते हैं ना गाइस जितना दूर आया हूँ तो देखने में क्या ही जाता है तो झरना देखने के बाद फिर आगे जो भी होगा देखा जाएगा फिलहाल चेक करो कुछ नदी का व्यू है और फिर आगे जो कुछ भी होगा दिखा दूंगा चलो फाइनली हम लोग आ चुके झरने में बट पानी तो है नहीं फिर भी यहाँ का जो
आर्टिफिशियल आर्किटेक्चर है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, काफी अच्छा है और काफी मस्त सा है। सो चेक दिस आउट। हाथी के शेप में पत्थर को बनाया है और ये रहा कुछ झरने का व्यू। इसी बीच से होकर के पानी आता होगा बट अभी कुछ नहीं है, आप लोग चेक कर सकते हो। वहां से नीचे से हम लोग आए हैं, वो रास्ता दिख रहा है आपको, वही है हाईवे जो कि आप लोगों को आगे लेकर जाएगा। फिलहाल ये चेक कर लो, यहाँ से व्यू चेक करा देता हूँ। ओ भाई साहब, पानी आता तो कितना अच्छा रहता। नहीं सो गाइज, अगर पानी आता तो हम लोग नहा भी लेते, गर्मी भी लग रही है। अभी तो मोटर चला रहा है ऊपर, शायद देखो पानी तो आ रहा है हल्का हल्का वहां पे, बट मोटर का पाइप भी गया है वहां से, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये चेक करो, ये मोटर का पाइप ऊपर की तरफ गया है तो शायद इसी में से पानी आता होगा। उतना ऊपर तो हम चढ़ भी नहीं सकते, तो इतने से ही मन को शांति करते हैं और फिर आगे भी निकलना है। ओ और आगे भी निकलना है। सो यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं, पानी वगैरह पी लेते हैं और उसके बाद फिर निकलेंगे आगे। सो ये भी दिन याद रहेगा अब कि भाई एक नेपाली यूट्यूबर से भी मिला और झरने को भी देखा, बट हाँ ये भी अफसोस रहेगा कि झरने में पानी नहीं था। भाई देवे यहाँ देखो इसी पत्थर पर बैठते हैं और फिर आराम करते हैं, उसके बाद सोचेंगे कहाँ निकलना है। सो बने रहना वीडियो में। अभी बज रहे दिन के 4 और मैं यहाँ पे 12 बजे के करीब आया था, तभी से एक भी लिफ्ट नहीं मिल रहा है, मतलब 3-4 घंटा हो गया एक भी लोग लिफ्ट नहीं दे रहे। तब तक मैं यहाँ पे एक झरना था एम झरना करके, वो भी घूम कर आ चुका हूँ, पानी भी खत्म हो चुका है। देखते हैं आज का स्थिति कैसा है, अगर आज अच्छी तरीके से बीत गया तो कल सोचेंगे, नहीं तो फिर घर के लिए रवाना होंगे। इस तरह से ट्रैवल करने से कुछ नहीं होने वाला है, पर कोई तो मतलब कोई भी हेल्प ही नहीं कर रहा है यहाँ पे, अजीब ही मतलब लग रहा है देखने में, क्या ही बताऊँ। इतनी गाड़ियाँ जा रही है, कोई भी लिफ्ट नहीं दे रहा है। पैसे से तो कोई भी लिफ्ट दे देगा, बट फ्री में जो लिफ्ट होता है उसी का लिफ्ट बोला जाता है, वरना पैसे से तो हम कहीं से भी कहीं जा सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हाँ मतलब वैसे जाने के लिए तो कुछ भी नहीं है, मैं अपने पैसे तीर करके सीधा जहाँ से तहाँ जा सकता हूँ, बट आप लोगों को बताना था कि हाँ भाई ऐसा है। तो हाँ मैं पैसे दे करके अभी तक एक भी गाड़ी पर नहीं चढ़ा हूँ, क्या पता अगली बार चढ़ना पड़ जाए। तो देखते हैं अगर ऐसा एक भी स्थिति आए तो सीधा हम निकल जाएंगे अपने घर के लिए। देखते हैं, फिलहाल यहाँ पे बैठने वाले हैं, एक ठाउँ यहाँ पे बैठेंगे और फिर देखेंगे आज रात कहीं हमें यहीं ना बिताना पड़े, अगली सुबह में देखेंगे आगे क्या होता है। फिलहाल बैठकर यहाँ पे आराम करते हैं।